नमस्कार व्यूअर्स, केवीएस आरओ दिल्ली लाइव के इस लाइव क्लासेस में आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लॉगिन करें और इस कक्षा में जुड़ें। आज हम कक्षा 12वीं के गद्य भाग के लेसन 3, जो उसका पार्ट 3 है, अध्याय 3, काले मेघा पानी दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस पाठ पर चर्चा करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसके पहले की दो कक्षाओं में हम लोग पाठ 1 भक्तिम और पाठ 2 बाजार दर्शन पर चर्चा कर चुके हैं, और आज मैं आपको उन पाठों पर आधारित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या जो CBSE का 2020 और 21 के लिए जो नया प्रश्न पत्र प्रारूप जो आया है, हालांकि हो सकता है कि आपने आपके अन्य शिक्षकों ने भी इसके बारे में आपसे बात की हो, लेकिन आज मैं अपने पाठ 3 पर जाने से पहले उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे क्या क्या नए परिवर्तन आए हैं, CBSE ने क्या क्या कुछ परिवर्तन किए हैं जो पहले क्या हुआ करते थे और अब क्या हो गए हैं, और अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन पाठों पर और वो कितने अंकों के होंगे, तो ये जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक। तो आइए पहले हम जो CBSE 2020-21 का जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसमें प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप होगा सत्र 2020-21 के लिए उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या CBSE ने परिवर्तन किए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी केंद्रित कोर्स संख्या 302 प्रश्न पत्र प्रारूप कक्षा 12वीं, और इसके बाद आपके जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का जो क्रम है उस क्रम में आपको ये सब दिखाई दे रहा है। इसमें 3 खंड हैं प्रमुख। इसमें देखिए पहले खंड के अंतर्गत अपठित अंश है, जिसमें आपको अपठित अंश 15 अंकों का होगा, जिसमें अपठित गद्यांश 10 अंकों का होगा और अपठित काव्यांश 5 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर ये जो अपठित गद्यांश बोध और अपठित काव्यांश बोध पर आधारित प्रश्न है ये कुल 15 अंकों के होंगे, और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में बोध प्रश्न जो प्रश्न पत्र में प्रश्न बनाए जाते हैं वो भी कुछ अलग अलग तरीकों के होते हैं। कुछ बोध प्रश्न होते हैं, कुछ विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होते हैं, कुछ सराहना संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसमें देखिए अपठित गद्यांश के अंतर्गत गद्यांश पर आधारित बोध प्रश्न होंगे, प्रयोग रचनांतरण शीर्षक आदि पर 10 बहुविकल्पी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न एक जैसे नहीं होंगे, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये पहली बार जोड़ा गया है CBSE के द्वारा। अभी तक हिंदी के कक्षा 12वीं के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न नहीं हुआ करते थे, तो शायद इस बार अभी इसका सैंपल तो नहीं आया है, लेकिन ये निर्धारित हो गया है कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और ये कुल 10 प्रश्न होंगे जो एक एक अंक का होगा। इसके बाद हम आते हैं जो अपठित बोध का अपठित अंश का जो दूसरा भाग है, इसमें अपठित काव्यांश बोध पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें वही बोध प्रयोग रचनांतरण शीर्षक पर आधारित बहुविकल्पी और अति लघुत्तरात्मक दो तरह के प्रश्न होंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा खंड है खंड खा, इसमें कार्यालय हिंदी रचनात्मक अभिव्यक्ति रचनात्मक लेखन जो आपकी एक और पुस्तक है, आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक है आरओ भाग 2, दूसरा है वितान, और तीसरी जो पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से रचनात्मक लेखन का जो हिस्सा है उसमें प्रश्न नंबर 3 आपका होगा अप्रत्याशित विषय कुछ भी दिया जाएगा, दिए गए दृश्य के आधार पर उसका वर्णन करना, कक्षा 11वीं में भी आप कर चुके होंगे, वो विषय आपके जो है वो काफ़ी या तो दिए गए दृश्य का होगा या किसी कल्पना के आधार पर कुछ प्रश्न दिया जाएगा, कल्पना आधारित रचनात्मक अभिव्यक्ति होगी उसमें। इसके बाद
उसमें से आपके पास विकल्प रहेगा, विकल्प सहित तीन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होगा। प्रश्न नंबर चार जो है वो कार्यालय पत्र है, जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और उन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प में आपको उस कार्यालय पत्र लिखना है। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन और उनके विविध आयामों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक और नया परिवर्तन इसमें आया है, जो पत्रकारिता और जनसंचार जो आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभी भी है और पिछले वर्षों तक कुछ अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते थे वो बहुविकल्पी नहीं होते थे, और इस बार से जनसंचार और पत्रकारिता में जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये एक नई चीज जोड़ी गई है, तो आपका सिलेबस तो वही है जनसंचार और पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और माध्यम में जो उसका वो हिस्सा है पत्रकारिता वाला और जनसंचार वाला, वहाँ पर वो एज इट इज है, लेकिन उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये पांच प्रश्न होंगे, एक एक अंक के होंगे और कुल पांच अंकों के होंगे। इसके बाद रचनात्मक लेखन में कुछ नई चीजें पिछले वर्ष से जोड़ी गई हैं, जिसमें कविता, कहानी और नाटक, इन तीनों रचनात्मक विधाओं की जो रचना प्रक्रिया है, कविता कैसे बनती है, कहानी कैसे लिखी जाती है, नाटक की रचना कैसे होती है, इन सब पर आधारित लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको विकल्प मिलेगा, विकल्प की सुविधा है, विकल्प सहित एक प्रश्न तीन अंक का होगा और एक प्रश्न दो अंक का होगा, यानी यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी पहले से, क्योंकि पहले जो प्रश्न पूछा जाता था वो पांच अंकों का होता था, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता था, लेकिन अब आपको इन शीर्षकों पर जो आपको अध्ययन करना है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए अध्ययन करना है। फिर सातवां प्रश्न जो होगा वो समाचार लेखन, समाचार लेखन की पद्धति क्या है, ये आप पत्रकारिता और जनसंचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगले जो कुछ क्लासेस होंगे, मुझे लगता है तीसरे लेसन के बाद या तीसरे अध्याय के बाद जब हम अगली बार आएंगे तो हम पत्रकारिता और जनसंचार पर भी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, रेडियो में समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समाचार पत्रों में समाचार कैसे लिखे जाते हैं, इन सब चीज़ों पर भी आपको इस प्रश्न में इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा और तरह के जो रचनात्मक लेखन होते हैं, जैसे फीचर लेखन है, आलेख लेखन, इन सब पर दो लघुतरीय प्रश्न होंगे, जिसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, एक प्रश्न तीन अंकों का होगा और दूसरा प्रश्न दो अंकों का होगा। अब आते हैं हम खंड ग पर। खंड ग आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, आपको पता है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो तीन पाठ्य पुस्तकें हैं, एक आरोह भाग दो, दूसरी वितान और तीसरी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हिस्सा था वो खंड खा के अंतर्गत संकलित हो गया, तो और जो दो पुस्तकें आपकी बची, जो पाठ्य पुस्तक है वो है आपकी आरोह भाग दो, जिसके अंतर्गत खंड जो खंड गा में इसको दो भागों में बांटा गया है, आ जिसमें काव्य भाग है, जिसमें काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि प्रश्न जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, तो जो काव्यांश पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो प्रकार के प्रश्न हैं, तीन प्रकार के प्रश्न हैं, एक तो है आपका अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, दूसरा है आपका सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों का मतलब है काव्य सौंदर्य, और तीसरा जो है कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कविताओं की विषय वस्तु को समझना है, ठीक है, शब्दों के अर्थ को, कविता के अर्थ को समझना है, और कविता का सौंदर्य बोध भी आपको होना चाहिए कि आप उस कविता की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुल जो ये भाग है खंड ग का जो भाग आ है ये कुल 16 अंकों का होगा। इसके बाद गद्य भाग है, गद्य भाग में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न होते हैं और दूसरा पाठों की विषय वस्तु पर आधारित बोधात्मक प्रश्न होता है। तो जो गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं ये किसी न किसी आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न गद्यांश पर आधारित होते हैं, इसलिए वो एक पैसेज होगा आपके पास और उस पैसेज के अंतर्गत आपको उसको पढ़ने के बाद, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उनके उत्तर देने हैं।
और जो अगला प्रश्न होगा वो विषय वस्तु पर आधारित चार प्रश्न होंगे, उनमें से आपको तीन गुणात्मक प्रश्न करने होंगे। इसके बाद आपकी जो एक अन्य पूरक पुस्तक है वितान भाग दो, उसमें आपको पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, चार लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें विकल्प होगा आपको, और इसमें विकल्प सहित दो तीन अंक तथा दो दो अंक के प्रश्न होंगे, यानी तीन प्रश्न दो अंकों के होंगे और दो प्रश्न दो अंकों के होंगे। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी आसानी हो गई है, पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वितान से वो ज्यादातर लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे, चार अंकों के प्रश्न होते थे, लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और तीन प्रश्न इसमें दो अंकों के होंगे और दो प्रश्न आपके दो अंकों के होंगे। तो ये कुल मिलाकर आपका जो 2020-21 के लिए जो प्रारूप सीबीएसई ने निर्धारित किया है वो आपके सामने है। तो आपको जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाएगा तो आपको जो उन पाठों की तैयारी करनी है वो इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए आपको तैयारी करनी है। आप अगर आपको ये पता होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तब आपको उस विषय के साथ तैयारी करने में, विषय को ठीक ढंग से तैयार करने में आपको आसानी होगी। तो मुझे आशा करता हूँ मैं कि क्या कहते हैं इस बात का वो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आप जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपकी जो दृष्टि होगी वो एग्जाम आधारित परीक्षाओं पर आधारित जो आप तैयारी कर पाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम आप चलते हैं अब अपने आज के पाठ पर। आज का जो ये पाठ है आप देख रहे होंगे काले मेघा पानी दे, और इसके जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है, हमने जब पहले पाठों पर चर्चा की थी तो मैंने आपको गद्य की अलग अलग विधाओं पर जब हमने बात की थी पहले पाठ के अंतर्गत, जब हमने भक्तिन का पाठ पढ़ा था तो भक्तिन के बारे में मैंने बताया था कि ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र और संस्मरण ये जो दोनों विधाएं हैं गद्य की ये काफी मिलती जुलती विधाएं हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर ये होता है कि संस्मरण के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन कि संस्मरण क्या होता है, किसी प्रेरक प्रसंग पर आधारित होता है या किसी प्रेरक व्यक्तित्व के ऊपर आधारित होता है, और संस्मरण लिखने का एक और विषय होता है जब आप किसी पुराने प्रसंग को स्मरण करते हुए उस पर अपने विचार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो संस्मरण है लेखक ने अपनी स्मृति के आधार पर, अपना जो उसकी स्मृति है उसके आधार पर उसने एक संस्मरण लिखा है। तो चलिए संस्मरण पर जाने से पहले थोड़ा सा हम धर्मवीर भारती जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह हैं उनके। इसके अलावा बंद गली का आखिरी मकान, ये उनका कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दो प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी चर्चा सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हुई है इनकी रचनाओं में तो गुनाहों का देवता जो उपन्यास है वो प्रेम और एक किशोर भावुकता से पूर्ण एक प्रेम कथा है, और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हुई है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस उपन्यास को कई कई बार पढ़ा है। सौभाग्य से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी रहा, और वहाँ जब हम लोग ग्रेजुएशन के लिए गए वहाँ पर तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में यही बात हुई कि आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और पहली बार जब गुनाहों का देवता पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उस उपन्यास को देखने की दृष्टि है आपकी कैसी होती है, और जब दूसरी बार और तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ लेखक में ये खूबी है कि उस रचना को जब आप एक बार शुरू करते हैं तो जब तक वो अंत नहीं उसका होता, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक आप उसको पढ़ते रहते हैं। गुनाहों का देवता जो उपन्यास है वो बड़ा लोकप्रिय उपन्यास रहा है, और धर्मवीर भारती ने आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में जो विशिष्ट स्थान दिलाने वाला है वो गुनाहों का देवता ही रहा है। इसके अलावा
धर्मवीर भारती की जो पहचान है वो एक संपादक के रूप में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो उनकी धर्मयुग के साथ जुड़ी हुई है। धर्मयुग का इन्होंने संपादन किया और अपने जीवन के उत्तरार्ध तक वो धर्मयुग का संपादन करते रहे। उससे पहले इलाचंद जोशी जी के साथ एक संगम नाम की पत्रिका इलाचंद जोशी जी निकालते थे, उसके सहसंपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया, आज भी वो पत्रिकाएं चल रही हैं। निकस नाम की एक पत्रिका है, उसका भी उन्होंने संपादन किया। इसके अलावा बहुत सारी कविता के क्षेत्र में और नाटक, एक जो अंधायुग नाम का जो नाटक उन्होंने लिखा, काव्य नाटक, खासकर 70 के दशक में 60 के दशक में जो घोर अनास्था का युग था उस युग को उन्होंने अपने उस नाटक में व्याख्यायित किया है और कैसे मूल्य टूट रहे हैं समाज के, उन टूटते हुए मूल्यों को उस रचना में उन्होंने व्याख्यायित किया है। सूरज का सातवां घोड़ा भी उनका बहुत चर्चित उपन्यास रहा है। श्याम बेनेगल ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है, इसी नाम से, सूरज का सातवां घोड़ा के नाम से एक फिल्म भी बनाई है। और इसके अलावा जो अंधायुग नाटक है इसको बहुत बड़े बड़े मंच के बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका मंच पर अभिनय किया है और शायद सबसे ज़्यादा चर्चित अभिनीत नाटकों में इसकी चर्चा की जाती है। अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो उपन्यास में इनका जो जो मुख्य विषय वस्तु रहता है वो प्रेम और रोमांस है और इसके साथ साथ निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और जो मूल्य टूटते हुए मूल्य हैं समाज के, उन सब मूल्यों को उन्होंने अपनी इन रचनाओं में स्पष्ट स्वर दिया है। अंधायुग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में उसकी गणना होती है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य के रूप में, अनिवार्य मूल्य के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं में विवेचित किया है। इसके अलावा निबंध और रिपोर्टाज लेखन में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सहजता और आत्मीयता भी उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। शायद जो पाठकों के मन को छूने की बात है जो कुछ ही रचनाकारों में होती है, रचनाकार में विद्वता तो होती है, बहुत सारे रचनाकार विद्वान रचनाकार होते हैं, लेकिन पाठकों के मन को छूने वाले रचनाकार कम ही होते हैं। अगर हम प्रेमचंद को उस वहाँ पर रखते हैं कि प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो पाठक से बहुत खूबसूरती से जुड़ते हैं, तो उसी खूबी, वैसी ही कुछ खूबी जो है हमें धर्मवीर भारती के भी अंदर दिखाई देती है। चलिए अब हम आते हैं धर्मवीर भारती के द्वारा जो लिखी गई रचना है काले निगाह पानी रे, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं इसके सार के बारे में बताता हूँ। ये वास्तव में जो एक संस्मरण है ये आधारित है लोक प्रचलित विश्वास और वैज्ञानिक तर्क के बीच के द्वंद्व पर। इस पाठ में एक लोक प्रचलित विश्वास को लिया गया है और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में के आधार पर जो आपके विश्वास के बहुत सारी जो मान्यताएं होती हैं, बहुत सारे जो लोक प्रचलित विश्वास होते हैं, आपको लगता है कि इन्हें माना जाए कि इन्हें ना माना जाए और ये कहाँ तक हमारी तर्क की कसौटी में खड़े उतरते हैं, इस द्वंद्व का बहुत खूबसूरत चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं अक्सर जब भी कक्षाओं में बात करता हूँ इसके बारे में, इस लेसन के बारे में जब भी बात करता हूँ, तो एक चीज मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो हम, खासकर हमारा जो भारतीय मनस है, जो भारतीय लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक तो होता है विचार और दूसरा होता है संस्कार। इन दोनों चीज़ों का व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब संस्कार क्या होते हैं, संस्कार होते हैं जो हम अपनी जिस संस्कृति से हम मूल रूप से जुड़े हुए हैं, उस संस्कृति की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। और विचार क्या होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और नए ज्ञान से जुड़ते हैं, और ज्ञान से जुड़ने के बाद हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में विकसित होता है। तो बहुत सारे अंतर्द्वंद हमारे मन में चलते हैं कि हम अपने सांस्कृतिक विचारों को माने या ना माने, केवल हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों पर विचार करें। तो ये जो अंतर्द्वंद है, यही अंतर्द्वंद जो है इस पाठ में दिखाया गया है। क्या होता है, एक लेखक है, लेखक जो है एक किशोर अवस्था का बालक है,
एक कुमार है और उसके जो संस्कार हैं वो आर्य समाजी संस्कार हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक तर्कों को लेकर वो अपने पास रखता है और बात कहाँ से उठती है, एक हम सब ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ जब वर्षा नहीं होती तो बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं और वो टोटके क्या होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं, ये लोक प्रसिद्ध विश्वास है। आप कभी कभी समाचारों में भी सुनते होंगे कि कहीं पर मेढक और मेढकी का विवाह करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये बिलीफ है, जहां पर एक ये मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें कुछ टोटके करने से बारिश हो जाती है। तो इस पाठ में जिस पाठ की जिस बात की चर्चा की गई है, जिस लोक प्रसिद्ध विश्वास की चर्चा की गई है वो यही है कि जिस क्षेत्र की ये कहानी है उसी क्षेत्र की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो क्षेत्र है वहाँ की ये कहानी है, जहाँ पर ये विश्वास माना जाता है कि अगर वर्षा नहीं होती तो हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ टोटके करने पड़ते हैं, उससे वर्षा हो जाती है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि 17-18 वर्ष के कुछ बालकों की एक टोली है जिसको वो इंद्रसेना कहते हैं। और इंद्रसेना जो है वो जब वर्षा नहीं होती, जब पूरे वर्षा ना होने से लोग जूझ रहे होते हैं, तो वो इंद्रसेना जो नंग धड़ंग बच्चों की टोली होती है वो कीचड़ में लोटती लिपटती और क्या कहते हैं गांव में घूमती, गंगा मैया की जय की जयकारा लगाती है। और साथ ही साथ वो एक खेल गीत है जो उस क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, वो खेल गीत कुछ ऐसा है, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी गाय प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये वास्तव में एक कृषक गीत है। जब किसान के यहाँ, जब हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पूरी जो कृषि है वर्षा पर आधारित है, तो वर्षा की जरूरत तो खैर सबको है। तपती हुई जब धरती जब पूरी तरह से जून के महीने में तप रही होती है तो हर किसी की यही आशा आकांक्षा होती है कि बारिश हो जाए। लेकिन किसान तो पूरी तरह आसमान की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता है कि किसी तरह वर्षा हो जाए। तो वहाँ पर ये विश्वास प्रचलित है कि जब ये 17-18 वर्षों की जो बच्चों की टोली है, ये इंद्रसेना जब लोगों के घरों में जय गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए पुकारते हुए आती है, ये गीत गाते हुए, तो लोग अपने घरों से इकट्ठा बहुत सारा जो पानी है, गर्मी की ऋतु में पानी बहुत कीमती है, इसके लिए उन्होंने कहा, लेखक ने शब्द प्रयोग किया है कि ये बेसकीमती है, क्योंकि जिस समय हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं उस समय एक बाल्टी पानी तो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो उस कीमती पानी को क्या करते हैं लोग, उनके ऊपर उड़ेल देते हैं और ये सोचकर उनके ऊपर पानी डालते हैं कि भगवान खुश होंगे और भगवान बहुत वर्षा करेंगे और हमें किसानों को और सभी जनों को इस गर्मी से थोड़ा सा मुक्ति मिल जाएगी। ये जो लेखक है ये एक कुमार है उस समय और आर्य समाजी संस्कारों से अनुप्राणित है, उसकी शिक्षा भी आर्य समाजी विद्यालय में हुई है। तो आर्य समाजी संस्कार पूरी तरह से वैज्ञानिक तर्कों पर चलते हैं, तो वो भी बहुत सारे तर्क लेकर चलता था अपनी जेब में और उसे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती थी कि ये बेवकूफ़ी की जाए। उसे लगता था कि ये पूरी तरह से बेवकूफ़ा वाली हरकत है कि हम अपने जो हमारा बेसकीमती पानी है उसकी हम निर्मम बर्बादी कर रहे हैं। इस बात पर जो उसकी जीजी है जिसके साथ वो रहता है उससे काफ़ी उसकी बहस हो जाती है, वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये किसी तरह से ठीक नहीं लगता कि आप हम लोग जो है क्या कहते हैं ये अपना कीमती पानी उनके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहता है, मैं तो था असल में उन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, लेकिन बचपन के आर्य समाजी संस्कार और एक कुमार सुधार सभा जो कायम हुई थी उसका वो मुख्यमंत्री था, तो समाज सुधार का जोश भी उसमें बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो अंधविश्वासों के खिलाफ अपने तर्कस में तीर लेकर घूमता रहता। मगर मुश्किल ये था कि अपने बचपन में जिसे सबसे ज़्यादा जिससे प्यार मिला था वो थी उसकी जीजी। रिश्ते में तो उसकी कोई नहीं थी, उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी। उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का ये मुख्यमंत्री अंधविश्वास कहता था, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी पूजा विधान, कोई भी त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना उनका पूरा नहीं होता है। तो इस पाठ में जो द्वंद्व दिखाया गया वो द्वंद्व इसी बात का है कि कैसे जो है वो जो बालक है और उसकी जो जीजी उसे उतना प्रेम करती हैं और वो वही काम करती हैं जो उसके विचारों के हिसाब से ठीक नहीं है, जो उसके विचारों के वैज्ञानिक
जो उसकी विचारों की वैज्ञानिकता की कसौटी में अंधविश्वास सिद्ध होते हैं वही सारे काम वो करती हैं और वही काम उसे करने को कहती हैं। ऐसा काम करना पड़ता है लेकिन उसके मन में ये बात कचोटती रहती है कि ये क्या है, ये कोई ठीक ठीक तरीका नहीं है, इसे कैसे निपटा जाए। एक बार क्या हुआ कि जब वो मेढक मंडली आई उसकी जीजी के घर के सामने तो उसकी जीजी को लगा कि कुछ काम में उनकी जीजी का तो जो विश्वास था कि उनका कि उन्हें लगा कि ये वैसे ही बहुत सारी बातों अपने तर्कों के आधार पर इन बातों का खंडन करता रहता है तो क्यों ना ये काम उससे ही करवाया जाए। उनके मन में ये विचार था कि कुछ जो भी इसकी बातों से जो इसको पाप लग रहा होगा वो अगर ये काम करेगा तो शायद उसके पाप कम हो जाएंगे। तो उसने एक दिन जब ये बात आई ये पानी डालने की तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये काम बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत लगता है। तो उसकी जीजी खुद पानी की जो उम्र में बहुत ज़्यादा थी बूढ़ी थी उनके शरीर में शक्ति नहीं थी लेकिन फिर भी वो एक बाल्टी पानी ला कर आई और उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे हाथ कांप रहे थे तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने कुछ मुझे खाने को दिया लेकिन मैंने हाथ से अलग खिसका दिया। अंत में जब वो किसी बात पे मानने को तैयार ही नहीं था तब उसकी जीजी ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि बेटा ये जो काम हम कर रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक तार्किक सोच है, ये उनके अपने तर्क थे। आप थोड़ा याद करिए जब हम भक्तिन पढ़ रहे थे तो भक्तिन के बारे में ये चर्चा हुई थी कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो शास्त्र के प्रश्नों को कैसे तर्क में बदल देती थी। जब लेखिका उसे पूछती थी जब वो बालों का मुंडन करवाती है और लेखिका कहती है लेखिका को ये काम ठीक नहीं लगता है तो वो क्या कहती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, ये बात किसी और संदर्भ में कही गई है लेकिन वहाँ पर भक्तिन क्या करती है इसको अपना तर्क बना लेती है और जो काम वो कर रही है उस काम को सही ठहराने के लिए उसको तर्क के रूप में उपयोग करती है। तो यहाँ पर जीजी भी अपनी बात को व्याख्यायित करने के लिए क्या कहती है, कहती है कि बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो कर रहे हैं वो ऋषि मुनियों की वो दान दे रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे संस्कृति में ऋषि मुनियों ने दान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब हम दान देंगे, दान क्या है वास्तव में त्याग है, जब हम दान देंगे तो हमें भगवान इसका उल्टा 4 गुना 8 गुना करके वापस लौटा है। जब हम दान करते हैं जब हम त्याग करते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ मिलता है। तो जी कहती है कि ऋषि मुनियों ने बताया है कि दान का स्थान सबसे ऊंचा है। तो लेखक को तुरंत ये बात उसके गले में नहीं गले के नीचे नहीं उतरती, वो कहता है कि दीदी जीजी क्यों ऋषि मुनियों को बदनाम करती है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जब पानी बूंद बूंद के लिए आदमी बूंद पानी को तरस रहा हो तब आप उस पानी को कीचड़ में बहा दो। थोड़ी देर तक उसकी जीजी चुप रही फिर उन्होंने उसको और अपने तर्क को आगे बढ़ाया और कुछ और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दान अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे लाखों करोड़ों रुपए हैं और अगर उनमें से वो कुछ पैसे दान कर देता है किसी को तो ये दान वास्तविक दान नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत कम पैसे हैं उसकी आवश्यकता से भी कम पैसे हैं और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति एक उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर पर भूखा बैठा है और उसके पास थोड़ा सा खाना आया और तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई एक और भूखा व्यक्ति आ गया तो अगर वो व्यक्ति अपनी भूख को छोड़कर अपना खाना उस भूखे व्यक्ति को देता है तो ये दान वास्तविक दान है। तो वो जीजी भी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ कम है अगर आप उसका दान करते हो तो वो दान आपका वास्तविक दान होता है। तो वो कहती है कि जब पानी की कमी से हम जूझ रहे हैं उस समय अगर हम पानी का दान करेंगे तब तो वो दान दान माना जाएगा और तब हम उसकी तब उस दान की उपादेयता और बढ़ जाएगी। दान तो वो होता है कहते हैं कि उसकी जीजी कहती है कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ, नहीं त्याग तो वो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझको भी जरूरत तो अपनी जरूरत को पीछे रख के दूसरे के कल्याण के लिए अगर उसे दे दिया जाए तो वो त्याग होता है और यही दान होता है और इसी दान का फल मिलता है। लेखक फिर अपना तर्क देता है, बोला ये फल वल कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है ये सब ढकोसला है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा। तर्कों का किला पस्त होने का मतलब धीरे धीरे जो उसकी तार्किकता थी उसे लगा कि तार्किकता क्या है, कोरी तार्किकता है। क्योंकि इस बात पर जो दीदी ने जो दान की बात बताई उस दान में जब ये बताया कि हमारे पास जिन चीज़ों की कमी है उस चीज़ का दान करना है
तो इस बात को सुनकर ये बात उसके गले के नीचे उतरती है और वो उसके तर्क कुछ कम होने लगते हैं। इसके बाद जीजी बोलती है कि देख तू अभी सब पहले गया है और मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मैंने बताया कि हम जब यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो वो जीजी की बात को और वहाँ बत्तीन की बात को इसीलिए कंपेयर करते हैं कि यहाँ जीजी भी कहती है कि मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा और तुम लोग जो बातें कर रहे हो वो तुम लोगों ने कुछ किताबों में पढ़ा है, उन किताबों की पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो और ये वैज्ञानिकता जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिकता किस हद तक होनी चाहिए यहाँ पर ये प्रश्न भी उठाया गया है। लेखक ने इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये सोचने पर भी मजबूर किया है कि आप वैज्ञानिकता को तो अपनाइए लेकिन साथ साथ हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हो सकता है उनकी वैज्ञानिकता को हम नहीं जानते, हो सकता है अपने मूल्यों को हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए हम उन्हें अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन हमें अपनी वैज्ञानिकता के साथ साथ अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन मूल्यों के बारे में भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है। फिर दीदी उसकी दीदी जो है फिर एक और उदाहरण देती है, वो कहती है कि अच्छा देख छोड़, अब तू दान और त्याग की बात कहता है कि ऋषि मुनियों को बदनाम करने की बात है, एक बात मैं और बताती हूँ, अगर तुम्हें 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसी तुम्हें क्या करना होगा उसके लिए। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर 30-40 मन गेहूँ अगर तुम्हें किसी खेत में उगाना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले बहुत अच्छे कुछ बीज लाने होंगे और बीजों को जमीन में डालना होगा, सींचना होगा, बोने के बाद उसको सींचना होगा, उसके बाद फिर उसकी देखभाल करनी होगी और तब जाकर हम एक फसल ले पाएंगे। वो कहती हैं कि किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी उन पर फेंकते हैं ये भी वही बुआई है। वो कहते हैं जैसे किसान अपने बीजों को फेंक देता है खेत में, ये सोचकर नहीं फेंकता है कि ये जो बीज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, ये सोचकर फेंकता है कि उनकी अच्छी फसल होगी। तो जो हमने पानी डाला है इस इंद्र सेना के ऊपर वो वास्तव में पानी की बुआई है कि जब भगवान खुश होगा, इंद्र देवता खुश होंगे तो हमें बहुत सारा वर्षा हमारी बहुत सारा होगी, बहुत सारी वर्षा होगी और हमारा किसान और हमारे सारे लोग जो पीड़ित हैं इस गर्मी से, इस लू से, इस तपन से, उनको शांति मिलेगी। फिर गली में हम ये पानी गली में बोएंगे, सारे शहर गांव कस्बा पानी वाले बादलों की फसल आएगी और बीज बनकर जब हम पानी देते हैं तो काले मेघा से हम पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं पहले जब खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। भैया ये तो आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। यही सच नहीं है, सच ये भी है यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी भी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बातें अक्सर करने लगती है, तब से वो अक्सर करने लगी थी। वो कहता है कि बाद में जीजी ने समझाया कि उस समय देश में आज़ादी का आंदोलन भी चल रहा था, तो जब वो आंदोलन में उनका बेटा शामिल हुआ तो उस समय गांधी जी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी वो जीजी। तो कहती हैं कि हमें तो त्याग करना ही पड़ेगा। वो त्याग वहाँ पर किसका उदाहरण देती है, अगर उन्होंने अपने बेटे को या उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया होता तो क्या हमें आज़ादी मिली होती। वो भी एक प्रकार का बलिदान था और उस बलिदान के बाद जाकर तब हमें आज़ादी मिलती है। और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ये पाठ सोचने के लेखक जो है इस पाठ को अनुत्तरित छोड़ देता है, हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इस पाठ का निष्कर्ष यही है, यहाँ पर बात भी यही की गई है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो विकसित करना है लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। हमारी संस्कृति के जो मूल्य ऐसे हैं जो बिल्कुल नकारात्मक हैं वो तो खत्म हो जाएंगे समय के साथ, क्योंकि जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें संस्कृति के नाम पर बुरी बातें जो चल रही थी वो अपने आप ख़त्म होती गई, जैसे सती प्रथा चल रही थी और पहले विधवाओं की स्थिति बड़ी बुरी हुआ करती थी, तो विधवा पुनर्विवाह जैसे समाज सुधार आंदोलन चले तो समाज में जो परंपराएं बुरी थी वो परंपराएं समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सारी सामाजिक परंपराओं को खत्म करते जाएंगे, सारे सामाजिक मूल्यों को अंधविश्वास समझते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी संस्कृति एक दिन खाली हो जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जिस पर हम कह सकें कि ये हमारी संस्कृति है। हम वैज्ञानिकता का अनुकरण तो करें लेकिन अंधानुकरण ना करें।
जिस प्रकार हम विश्वास तो करें अपनी सांस्कृतिक मूल्यों पर, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों के विश्वास को अंधविश्वास में ना बदलें। तो इस पाठ में इसी संतुलन की बात की गई है, लेखक ने इसी संतुलन की बात स्थापित संतुलन स्थापित करने की बात की है कि हमें अपने सामाजिक मूल्यों और अपनी वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक सोच और वैचारिकता के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। इन बातों को आज से 50 से ज्यादा बरस होने को है, पर जो कि त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में बातें मन को कचोट जाती हैं। आज हम देश के लिए क्या करते हैं, मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। इसी इस पाठ की चर्चा के साथ साथ वो देश के अपने पाठकों को भी उद्वेलित करना चाहता है और देश के बाकी लोगों से भी सवाल पूछता है कि हम भी बहुत सारी चीजें देश से चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति करते क्या है। हम अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन करते हैं, ये भी प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर या इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उस अभी उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर क्या बदले की स्थिति। अंत में आकर लेखक यहाँ पर अपने पाठ को खत्म करता है कि देश में भी स्थिति बहुत खराब है, बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि ये जिस समय ये पाठ लिखा गया था वो एक तरह से अनास्था का युग चल रहा था। क्लास 11वीं में, कक्षा 11वीं में आपने गजल पढ़ी होगी दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार ने अपने एक शेर में कहा था कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये कुछ वैसी ही स्थिति है कि उस समय देश के नागरिकों को बड़ी उम्मीदें थी देश से, लेकिन वहाँ कुछ भी उनको जो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, तो उस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा अनास्था पैदा हो गई थी, किसी चीज़ पर आस्था नहीं रह गई थी। तो उस समय की जो वैचारिक उहापोह का समय है, उस समय ये लिखा गया लेख है, उस समय की स्थिति की बात कर रहा है। तो लेखक कहता है कि बहुत निराशाजनक स्थिति है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निराशाजनक स्थितियाँ बदलती हैं। अगर हम अपने अपने विचारों में अपने संस्कारों को हम मजबूत रखेंगे, अपने विचारों को मजबूत रखेंगे, तो ये जो निराशाजनक स्थितियाँ हैं वो भी बदल जाएंगी। तो कुल मिलाकर इस पाठ का जो पूरा सार है वो यही था। मैंने शुरू में इस बात को बताया था कि हमें अपने व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है, हमें अपने व्यक्तित्व में वैज्ञानिकता भी लानी है, और साथ ही साथ हमें अपने सामाजिक मूल्यों के साथ अपने उस विचार को, अपने उस वैचारिक पक्ष का सामाजिक पक्ष के साथ संतुलन भी स्थापित करना है। तो इस पाठ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोक भाषा के शब्द हैं, उन शब्दों को भी यहाँ पे रखा गया है। इन शब्दों के अर्थ भी आप शब्द छवि के रूप में देख सकते हैं, पाठ के पीछे भी उपलब्ध है। ये जो खेल गीत जिसकी चर्चा हो रही थी उसमें एक शब्द आया था, पानी दे गुड़धानी दे। तो ये जो गुड़धानी है वास्तव में ये कृषक जीवन से संबंधित शब्द है। इसमें गुड़ और चने से बना एक प्रकार का खाद्यान्न होता है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। जब किसान बहुत खुश होता है अपनी, जब उसकी फसल नई नई आती है, तो वहाँ पर गुड़धानी बनता है, गुड़ और चावल का एक खाद्यान्न बनता है जो खुशी मनाने के लिए उसका प्रयोग होता है। दूसरा तेलते शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी बुंदेलखंडी भाषा का शब्द है, बुंदेली भाषा का, और तेलते का अर्थ होता है पुकारने से। इसके अलावा दस्तपा, जून के महीने में हम जानते हैं कि जून के महीने में मानसून का आगमन होता है, यानी वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो वर्षा ऋतु के आगमन से ठीक पहले, मई के आखिरी सप्ताह में और जून के पहले सप्ताह में जब वर्षा नहीं आई होती, तो 10 तपने वाले दिन होते हैं। वैसे नौतपा शब्द का भी प्रयोग होता है कि 9 सबसे अधिक तपने वाले दिन होते हैं, उसके बाद फिर वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो नौतपा और दस्तपा ये उन्हीं दिनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लोक भाषा में प्रयोग लाने वाला शब्द है। तो दस्तपा वो है, वो 10 सबसे ज़्यादा तपने वाले दिनों के बारे में दिनों को कहा जाता है दस्तपा। ढोर डंगर एक शब्द है, ढोर डंगर क्या होता है, ढोर और डंगर पशुओं के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, ये भी लोक भाषा का शब्द है। सतिया, यहाँ पर एक और लोक पूजा की चर्चा हुई है, एक जो उसकी जीजी है वो एक ये लोक त्यौहार है, लोक पर्व है, और उस लोक पर्व की पूजा करते हुए उसमें सतिया बनाती है। सतिया वास्तव में
कहलाता है स्वास्तिक चिन्ह, चौक और सतिया पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है हमारी संस्कृति में उसे लोक भाषा में सतिया कहते हैं। अर्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्ध क्या है? ये जब हम जल चढ़ाते हैं देवताओं को उसे हम अर्ध देना कहते हैं। जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, चंद्र को जल चढ़ाना, ये हमारी परंपरा में पूजा करने की पूजा पद्धति है जिसमें हम जल चढ़ाने की बात करते हैं तो चंद्रमा और सूर्य को अर्ध देते हैं। इसके अलावा एक शब्द प्रयोग हुआ है अरवा चावल। अरवा चावल वो चावल होता है जो धान, आप जानते हैं चावल कैसे बनता है, धान से बनता है, धान को पीसा जाता है, धान को उबाला जाता है। तो दो तरह की पद्धतियां होती हैं, धान को उबालकर चावल निकालना और एक धान को बिना उबाले चावल निकालना। तो जो अरवा चावल होता है वो धान को बिना उबाले हुए उसका चावल बनाया जाता है, उसे अरवा चावल कहते हैं। हरछठ क्या है? हरछठ भी एक लोक त्योहार है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दो दिन पहले हल षष्ठी के रूप में भी, इसको हल षष्ठी भी कहा जाता है। ये एक त्यौहार है जो हरछठ उसे कहते हैं। और ये आपने कृष्ण की कहानी पढ़ी होगी, कृष्ण के एक भाई थे बलराम, ये उनका जन्मदिवस है जो हरछठ के रूप में मनाया जाता है। और इस हरछठ का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका ग्रामीण क्षेत्रों में इसका हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस त्यौहार का। और इसमें ये वास्तव में कृषक जीवन से संबंधित है क्योंकि बहुत सारे जो अन्न होते हैं भुने हुए अन्न को अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में रखकर उसकी पूजा की जाती है और उस त्यौहार को हरछठ कहते हैं। भुजा एक शब्द आया है, भुजा का अर्थ होता है भुना हुआ चना। और एक शब्द आया है किला पस्तोना, मैंने इसकी चर्चा की थी, तर्कों का किला पस्तोना, यानी कि धीरे धीरे उसके तर्क समाप्त होने लगे थे। तो इस प्रकार वो लेखक जो कहता है कि जो उसकी वैज्ञानिक तर्कों का उसने किला बना रखा था, दीदी के जब दीदी ने अपने दान की व्याख्या की और उस दान की व्याख्या से उसके तर्कों का किला पस्त होने लगा। तो इसके साथ ये पाठ खत्म होता है यहाँ पे। और आप लोग, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पाठ को पढ़ें और इसके बाद जो पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तरों, उनके प्रश्नों के उत्तर लिखें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है पाठ आपको कुछ समझ में आया होगा और जब आप अगली बार जब पाठ को पढ़ेंगे तो आप पाठ को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस पाठ के शुरुआत में मैंने चर्चा की है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक आप सामने रख सकते हैं। जैसे ये एक गद्यांश, एक अंश है, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर बचपन के आर्य समाजी संस्कार और कुमार सुधार सभा जो कायम हुई थी, ये वाला जो गद्यांश है इस गद्यांश पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और एक अंश है जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये जो आपको अंश दिख रहा होगा, जी जी फिर बोली देख तू, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह नहीं देखा, इस गद्यांश को पर भी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पाठ को ठीक से पढ़ें और इसके पीछे जो पाठ के साथ साथ या पाठ के साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों को आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें हल करें। प्रश्न देखते हैं क्या है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो ये कुछ प्रश्न है पाठ के साथ। तो मैं आज के गृह कार्य में आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 5, ये 3 प्रश्न देता हूँ और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को भी लेकर अगले कक्षा में आ सकते हैं जहाँ पर इन प्रश्नों पर फिर हम चर्चा कर सकते हैं और अगले सेशन में हम इनके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।